तो दोस्तों, सूचना के अनुसार कार्यालय कलेक्टर जिला उत्तर बस्तर कांकेर में भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किए गए हैं और दिनांक 1 जून 2023 को ये जारी हुआ है। और चलिए आज इसी के बारे में हम महत्वपूर्ण क्या क्या चीज़ें हैं वो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। राजस्व विभाग एवं जिला के अन्य विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर की गई पूर्ति पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासियों को सीधी भर्ती हेतु आवेदन दिनांक 1 जून 2023 से दिनांक 26 जून 2023 को शाम 5:30 बजे तक निर्धारित रूप में प्रारूप में पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से मंगाया जाता है। ये पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट है माध्यम। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पद यहाँ पर बढ़िया है, पद और न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता जो है नीचे में ही दे दिया गया है, तो यहाँ एक प्रकार से बढ़िया लगा मेरे को। देखो, पहला है तृतीय श्रेणी है, पद स्टेनोग्राफर, कुल रिक्त पद एट है, वेतनमान 52,228 ग्रेड पे है एवं पुनरीक्षित सातवां वेतनमान मैट्रिक्स लेवल 7। तो इसका पेमेंट कितना बनेगा ये मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर है लेवल 7 28,700, तो 28,700 यहाँ पर फिल करते हैं हम 28,700, और पेमेंट निकल के आ रहा है इनका नेट सैलरी 35,627 रुपया। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो क्या है, 10+2 चाहिए और मान्यता प्राप्त जो है संस्था से मुद्र लेखन परीक्षा परिषद में हिंदी शीघ्र लेखक परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं शीघ्र लेखन की 100 शब्द प्रति मिनट की गति के संबंध में कौशल परीक्षा जाएगी। 1 साल का जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो है प्रोग्रामिंग या डिप्लोमा चाहिए और एंट्री गति 10,000 की डिप्रेशन स्पीड होना चाहिए। उपरोक्त अर्हता में कंप्यूटर विषय संबंधित परीक्षाओं के उत्तीर्ण प्रमाण पत्र डिप्लोमा उपाधि के लिए सामान्य प्रशासन के विभाग क्रम इतना द्वारा नियत संस्था से होगा। नियत संस्था डिटेल में दिया गया है नीचे। दूसरा है स्टेनोटाइपिस्ट तृतीय श्रेणी, कुल रिक्त पद 9, ये देख लीजिए, ये भी सेम नहीं, ये लेवल 4 है, ठीक है, लेवल 4 है। लेवल 4 का तात्पर्य इनका पेमेंट कितना होगा, 16,500। इनका पेमेंट बनेगा 20,865 रुपया। 10+2 है शैक्षिक योग्यता में और 60 शब्द प्रति मिनट की गति है, ऊपर 100 शब्द था, और स्पीड है 10 KPH की और 1 साल का जो है डिप्लोमा, तो इसीलिए दोनों में फर्क है। और तृतीय श्रेणी सहायक ग्रेड थी, कुल रिक्त पद कितना है, 16 है, 19,500 इनका जो है एंट्री लेवल है, तो 19,500 यहाँ मैं लिखता हूँ, इनका लगभग 25,000 बनता है, ये देखिए 24,495 रुपया पेमेंट बनता है। शैक्षणिक अर्हता चाहिए तो 10+2 चाहिए और डाटा एंट्री ऑपरेटर में 1 वर्ष का डिप्लोमा चाहिए और 5,000 की डिप्रेशन का स्पीड चाहिए। और ये देखिए, ये जितने भी यहाँ पर देख सकते हैं, ये इन संस्थाओं से जो DC या आपने HDC PGDC किया है वो जो है मान्य होगा। पद है तृतीय श्रेणी वाहन चालक, तो वाहन चालक के लिए क्या चीज़ है देखते हैं। तो वाहन चालक कुल रिक्त पद कितना है, 6 है, और शैक्षणिक अर्हता है क्या, 8वीं कक्षा और हल्के लाइट मोटर व्हीकल जो है वो लाइसेंस चाहिए आपको। भृत्य के लिए कुल पद है 483, बहुत ज़्यादा पद है भृत्य के लिए, यहाँ आप फिक्स डालिए, वेतनमान है 47,50 और 15,600 जो है इनका एंट्री लेवल है, तो 15,600 यहाँ हम लिखते हैं 15,600, तो पेमेंट बन रहा है इनका 19,776 रुपया नेट सैलरी जो मिलेगी। और न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है 5वीं पास है और ये कलेक्टर दर पर वेतन पाने वाले कुल पदों की संख्या कितनी है, 138 है। आकस्मिकता निधि भृत्य कुल रिक्त पद शिक्षा विभाग में 138, वेतनमान देखिए ये शिक्षा विभाग के लिए है और ये भी जो है ये सेम पेमेंट है दोनों का। और सातवां है चतुर श्रेणी पद चौकीदार, कुल पद है 10 और ये राजस्व विभाग के लिए है और इनका पेमेंट है वही, तीनों का सेम लेवल है। आगे बढ़ते हैं, चतुर श्रेणी पद प्रोसेस वर्कर, कुल रिक्त पद 3 और ये भी सेम पेमेंट है। आगे देखते हैं, चतुर श्रेणी पद फर्रास, कुल पद ये भी सेम पेमेंट है, मुक्त 1-1 पद हैं तीनों में, नहीं कुल इसमें 3 पद है, इसमें 2 पद हैं, इसमें 3 पद हैं। आगे बढ़ते हैं, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के संबंध में देखिए क्या बोला जा रहा है। तो सभी प्रवर्ग में रिक्त पदों की संख्या जो है कमी या वृद्धि हो सकती है, पहला पॉइंट।
अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों में 20% तक पदों की पूर्ति विशेष पिछड़े जनजातियों के लिए आरक्षित हैं, और उनसे यदि आवेदन नहीं मिलेगा तब जो है दूसरे समूह से वो भरा जा सकेगा उसी प्रवर्ग के उम्मीदवारों से, ठीक है ना। महिला भूतपूर्व से उम्मीदवार नहीं मिलने पर उसी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों से चयन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जो है यहाँ पर है। निर्धारित आयु सीमा, तो आयु सीमा के लिए मैंने ये जो वीडियो दे दिया है यहाँ पर, यहाँ के क्लिक करके सीधा आपको मिल जाएगा, या मेरे डिस्क्रिप्शन में सर्च कर लीजिएगा। आयु सीमा के संबंध में जो होता है डिटेल्स, उसके हिसाब से जो है 18 से 35 होता है, और जो है 45 मैक्सिमम होता है, ठीक है। और उसमें जो है सामान्य रूप से एससी एसटी ओबीसी उनको 5 साल का छूट मिलता है, महिला है तो 10 साल का छूट मिलता है, यदि ग्रीन कार्ड धारी है तो 2 साल का मिलता है। इस तरह से टोटल 45 साल तक वो छूट मिलता है, और कहना चाहिए जो संविदा कर्मचारी है उनको भी उतने दिन का छूट मिलता है जितने दिन वो लोग जो है ड्यूटी किए रहते हैं। यहाँ देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी आवेदक के लिए अधिकतम आयु 43 वर्षों की, परंतु उक्त परिपत्र के पैरा के अनुसार अन्य विशेष पिछड़ा वर्ग जैसे कि निवासी के लिए अधिकतम आयु सीमा में शासन द्वारा जो छूट दी गई है, देखिए अधिकतम 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट कीजिए। पात्रता के बारे में जानकारी लीजिए। निर्देश, आवेदन पत्र भरने संबंधी निर्देश, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक जो है आवेदन करना पड़ेगा, और आवेदक लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, जाति, वर्ग, आवेदक का नाम, पता, पिन कोड स्पष्ट रूप से लिखें। साथ ही अभ्यर्थी को स्वयं का पता लिखा, 5 रुपये का डाक टिकट लगा एक लिफाफा 9x4 के आकार का अनिवार्य रूप से आवेदन के साथ संलग्न करें, जिससे आपको काल अपडेटर मिलेगा। और आवेदक का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो निवानी रहे, तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वास्तविक निवासी प्रमाण पत्र की स्वयं के द्वारा जो है अटेस्टेड जो है वो छायाप्रति संलग्न करें। रोजगार पंजीयन होना चाहिए। आयु सीमा के लिए आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। विकलांग होगा तो 40% से अधिक होगा तो वो मान्य होगा। अगला है, ऐसे भी जो शासकीय अर्धशासकीय सेवाओं में संस्थारत हैं उन्हें अपने हेड के द्वारा एनओसी देना पड़ेगा। नियत स्थान पर आपको पासपोर्ट साइज फोटो जो है चिपकाना है। आवेदक को आवेदन के साथ शैक्षिक योग्यता, तकनीकी अर्थता, सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र, जाति, रोजगार पंजीयन, अन्य की स्वयं की जो है सत्यापित प्रतिलिपि जो है वो देना है। इस चीज़ को ख्याल कीजिएगा। अगला है, आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में 1 जून से 26 जून तक सायं 5:30 बजे तक मिल जाना चाहिए। और किस पते भेजने, कार्यालय कलेक्टर, ये देखिए ये पता दिया गया है, यहाँ पर आपको भेजना है, ठीक है। अपूर्ण अस्पष्ट आवेदन पत्र जो है वो हटा दिए जाएंगे, और ये तो हमने कई बार पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं, विज्ञापित पदों पर की जा रही भर्ती के संबंध में आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत सूचना भेजी जाएगी तथा उसे जिला कार्यालय के सूचना पटल में अपलोड किया जाएगा, लेकिन आपको विलंब से मिलेगा तो ये उनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, ये देख लीजिए, जिन आवेदकों को उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में प्राप्तांक के बजाय ग्रेड मिला है तो उनके प्रतिशत ज्ञात करने हेतु केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्धारित निर्णय अनुसार गणना की जाएगी। नियुक्ति के लिए पात्रता तो इसको हम छोड़ते हैं, ये देखिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किया है, इसके हिसाब से जो है गणना की जाएगी। चयन की प्रक्रिया, तो चयन की प्रक्रिया जो है मैं बताता हूँ आपको। चयन की संपूर्ण प्रक्रिया स्टेनोग्राफर हिंदी के पद हेतु नियुक्त प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से पूर्ण की जाएगी। स्टेनोग्राफर हिंदी के पद के लिए प्राप्त आवेदनों की पत्रों की जाँच एवं स्क्रूटनी के पश्चात रताधारी पात्र आवेदक को प्रायोगिक कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। प्रायोगिक कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के मेरिट के आधार पर किया जाएगा, मतलब 12वीं कक्षा के मेरिट के आधार पर जो है बुलाया जाएगा। और जो 12वीं कक्षा को जो है रिजल्ट जितना प्रतिशत आए हैं उसमें 60% अंक लिया जाएगा, और 40% का क्या होगा वो कौशल परीक्षा होगा। और जो अंतिम जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो इसी के आधार पर बनेगी। कुल निर्धारित सौंग के मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन की कार्यवाही की जाएगी, इसी चीज़ को मैं बोल रहा हूँ। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए भी सेम वही चीज़ है, इनके लिए अलग नहीं है, ठीक है। सहायक वर्ग 3 के लिए तो 10+2 का 60% और 40 अंक का स्पीड लिया जाएगा, सेम वही है। वाहन चालक के लिए जो 8वीं पास है उसका 60% लिया जाएगा और 40 अंक का दक्षता लिया जाएगा, उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगा। प्रोसेस वर्कर भृत्य के लिए शैक्षणिक अर्हता 5वीं कक्षा जो है ना उसका अंकों के मेरिट के आधार पर किया जाएगा। मूल बात कहना चाहिए, हर जो इसमें है ना 100 अंक का होगा उसी के हिसाब से मेरिट बनेगा, लेकिन आपको जो है ना
बुलाया जाएगा कौशल परीक्षा में किसके अनुसार से, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अनुसार से। अन्य महत्वपूर्ण शर्तें, तो विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें, निर्देश, जानकारी आदि के निर्वाचन का अधिकार कलेक्टर जिला उत्तर बस्तर कांकेर का रहेगा। बाकी सब देख सकते हैं यहाँ पर, ये इस प्रकार से आप इसको प्रिंट करा के आवेदन सबमिट कर सकते हैं। वीडियो डालने के आधे घंटे बाद ये जो है प्रोफार्मा आपको चैनल पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। और कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, और ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।